हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा फोरियर सीरीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। पिछले कुछ वीडियो से हम फोरियर सीरीज कोफिशियंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज की हमारी प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास सिग्नल है एक एक्स वन टी और इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आपके पास है सी एन। दूसरा सिग्नल है आपके पास एक्स टू टी और इसका एक फोरियर सीरीज कोफिशियंट आपके पास पी एन। अब एक सिग्नल है वाई टी जो कि इक्वल है आपका अक्स वन टी इंटू अक्स टू टी। तो जो वाई टी आएगा, जो इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आएगा, वो आएगा आपके पास सी एन कॉन्वोल्यूशन विथ पी एन। तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सी एन कॉन्वोल्यूशन पी एन है इसका मतलब क्या होता है। तो सी एन कॉन्वोल्यूशन विथ पी एन ये इक्वल्स टू होता है आपके पास समेशन एम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एम पी एन माइनस एम। ये होता है आपके पास सी एन कॉन्वोल्यूशन पी एन, या इसको आप लिख सकते हैं समेशन एम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एम सी ऑफ एन माइनस एम। ये होता है सी एन कन्वोल्यूशन पी एन। तो सबसे पहले तो हमने कन्वोल्यूशन का मतलब देख लिया यहाँ पे। अब हमको फोरियर सीरीज कोफिशियंट निकालना है वाई टी का। मान लीजिए कि जो वाई टी है इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट है आपके पास, वो आएगा सी एन डेस, जो कि इक्वल होगा वन डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड टी एक्स वन टी एक्स टू टी e टू दी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये इक्वल हो गया आपके पास वन डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन और ए टाइम पीरियड टी। यहाँ पे आप लिख दीजिए ये एक्स टी एक्स वन टी और एक्स टू टी की जगह आप लिख दीजिए समेशन एम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे आ जाएगा इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट। तो एक्स टू टी का फोरियर सीरीज कोफिशियंट आपके पास पी एन, क्योंकि हमने यहाँ पे एम यूज में लिया है, तो यहाँ पे भी मैं एन की जगह एम यूज में ले लेता हूँ और ये आएगा ई टू द पावर जे एम ओमेगा नॉट टी। ये आ गया एक्स टू टी और इसके मल्टीप्लाई में आ गया ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी और ये आ गया आपके पास यहाँ पे डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये समेशन में बाहर निकाल के लिख देता हूँ क्योंकि समेशन के अंदर कोई भी टी की टर्म नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो वन डिवाइडेड बाई टी समेशन एम इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एम भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड टी एक्स टी। ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर जे एम ओमेगा नोट टी और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी। तो यहाँ से मैं जो जे ओमेगा नोट टी है वो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया आपका एम माइनस एन और ये बन गया आपका डी टी। इसको मैं और लिख देता हूँ आगे, ये हो गया वन डिवाइडेड बाई टी समेशन एम इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड टी। ये हो गया आपका एक्स वन टी, एक्स वन टी है यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स वन टी। ये हो गया ई टू दी पावर, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, जे ओमेगा नॉट एन माइनस एम टी डी टी। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका एक्स वन टी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट ब्रैकेट एन माइनस एम टी। ये इक्वल हो जाएगा आपका सी एन माइनस एम के और यहाँ पे पी एम है। तो ये कैसे हुआ सी एन माइनस एम के इक्वल, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि जो ये इंटीग्रेशन है वन डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड टी एक्स वन टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन माइनस एम टी डी टी, ये हमारा सी ऑफ एन माइनस एम के इक्वल क्यों हुआ, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगली स्टेप के अंदर एक बार इस वन बाई टी को पास में लिख देता हूँ, इसके एम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।
ये आ गया यहाँ पे आपका पी एम, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय टी इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड टी एक्स वन टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन माइनस एम टी डी टी। ये इक्वस टू हो गया आपके पास समेशन एम इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी एम, और ये हो गया आपका सी एन माइनस एम। ये पूरा हो गया आपका सी एन माइनस एम। और यहाँ से आप देखिए कि जो सी एन कॉन्वोल्यूशन पी एन है वो इक्वस टू होता है आपका ये, और यहाँ पे ये सेम टर्म यहाँ पे आ रही है। तो जो हमारा सी एन डैश है यानी जो कि फोरियर सीरीज कोफिशियंट है हमारा एक्स वन टी मल्टीप्लाई बाई एक्स टू टी, वो इक्वस टू आ गया आपके पास पी एन कॉन्वोल्यूशन विथ सी एन, या इसको हम बोल सकते हैं सी एन कॉन्वोल्यूशन पी एन। इसके अलावा मैं एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका मैं केवल आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो सिग्नल है एक्स वन टी और एक्स टू टी, इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आपके पास सी एन, इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आपके पास पी एन। अब इन दोनों सिग्नल का हमने कॉन्वोल्यूशन ले लिया एक्स वन टी कॉन्वोल्यूशन एक्स टू टी, और एक नया सिग्नल बना दिया हमने वाई टी। तो जो वाई टी है इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट आएगा आपके पास, वो मान लेता हूँ कि मैं सी एन डेस, तो वो इक्वल टू आएगा आपका टी सी एन इंटू पी एन। मतलब जो ये सिग्नल वाई टी बना है इसका फोरियर सीरीज कोफिशियंट आएगा आपके पास सी एन डेस इक्वल टू टी सी एन पी एन। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये यहाँ पे हमने जो फोरियर सीरीज कोफिशियंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।